asalaamu alaikum I am Hafsa Aliza Yikou. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yikou. Today we discuss on Glass Self Theory. Glass Self Theory, the term looking glass self, was created by American sociologist Charles Horton Coley in 1902 and introduced into his work human nature and the social order. It is described as a reflection of how we think we appear to others. कि हम क्या सोचते हैं कि हम दूसरों को किस तरह के नज़र आ रहे हैं कोले टेक्स इंटू अकाउंट थ्री स्टेप वन यूजिंग द लुकिंग ग्लास सेल्फ यानी कि कोले नामे सोशलॉजिस्ट ने नाइनटीन जीरो टू में अपनी ये थेरी पेश की थी जिसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम दूसरे हमें किस आंख से देख रहे हैं हम दूसरों को किस तरह के नजर आ रहे हैं द लुकिंग ग्लास सेल्फ डिस्क्राइब द प्रोसेस वेयर इन इंडिविजुअल बेस्ड देयर सेंस ऑफ सेल्फ ऑन हाउ दे बिलीव अदर्स व्यू देम उनका क्या बिलीव बन गया हुआ है कि दूसरे उन्हें किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह के हम एक पर्सन होता है उसको इस तरह के भी ख्याल आते हैं कि मुझे हर एक पर्सन जो है वो नेगेटिव सेंस में देख रहा है या ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन उसे पॉजिटिव सेंस में देख रहा है ये उसका बिलीव यूजिंग सोशल इंट्रैक्शन एज अ टाइप ऑफ मिररर सोशल इंट्रैक्शन क्या यानी जो कि हम सोसाइटी से मिलते हैं जो हमारा सोशल सर्कल है वह हमारे लिए मिरर का किरदार अदा कर रहा है मिरर क्या होता है मिरर में हम ख़ुद को देखते हैं तो इधर हम मिरर को ले रहे हैं सोसाइटी तो सोसाइटी हमें किस तरह से देख रही है वो हमने देखना है पीपल यूज़ द जजमेंट दे रिसीव फ्राम अदर्स टू मैयर देयर ओन वर्थ वैल्यूज़ एंड बिहेवियर जो वो पर्सन होता है वो अपनी वर्थ वैल्यू बिहेवियर किस तरह देखता है वो जज करता है इस चीज़ के ऊपर कि दूसरे उसे किस तरह का रिसीव कर रहे हैं दूसरा पर्सन जो कि सोसाइटी जो कि मिरर है वो उसको किस तरह से जज कर रही है वो पर्सन अपने आप को वैसा समझता है इसको कहते हैं ग्लास सेल्फ थेरी अब जैसे कि एक फिगर है जिसमें लिखा हुआ द लुकिंग ग्लास सेल्फ। हाउ माई मोम एंड डैड सी मी कि किस तरह उसके पेरेंट्स उसे देख रहे हैं हाउ माई गर्ल फ्रेंड सीज मी मेरी गर्ल फ्रेंड मुझे किस तरह देख रही है हाउ माई ऑलडर ब्रदर सी मी मेरा भरा भाई मुझे किस तरह देख रहा है और हो माई एक्स गर्लफ्रेंड मी तो वो गुस्से वाला साइन आया हुआ है ये हर एक पर्सन ने अपना वो देखें जिस तरह आगे एक मिरर होता है मिरर के अंदर वो पर्सनैलिटीज़ हैं और वो देख रहा है कि जो वो नेक्स्ट पर्सन है वो मुझे किस तरह से देखता है इसको ग्लास सेल्फ थेरी कहते हैं एग्जाम्पल द लुकिंग ग्लास सेल्फ डेफिनेशन स्टेट्स अ पर्सन थाट एंड फीलिंग अबाउट दैम सेल्फ पर्सन जो होता है उसके थाट उसके ख्याल और उसकी फीलिंग होती है दूसरों के बारे में आर फॉम्ड बन जाती हैं बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ अदर्स एंड देयर परसेप्शन ऑफ हाउ दे अपीयर टू अदर फिर वो जिस तरह का पर्सन उसे देख रहे होते ना तो अगर एक पर्सन उसे अच्छा देख रहा है ना उसके लिए गुड मिरर साबित हो रहा है वो उसकी तारीफ करेगा तो उस पर्सन जो है ना उसके उसका भी उसके बारे में अच्छा व्यू बन जाएगा कि ये पर्सन भी बहुत अच्छा है फॉर एग्जाम्पल आ पर्सन मे बिलीव डेट दे आर वेरी अट्रेक्टिव एक पर्सन कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बिकॉज एन अदर पर्सन कॉम्प्लीमेंटेड देयर शर्ट और हेयर क्योंकि दूसरे पर्सन ने उसे कॉम्प्लीमेंट किया उसे गुड कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम्हारी शर्ट जो तुमने पहनी हुई है वो तुम पर बहुत ज़्यादा सूट कर रही है और जो तुम्हारा हेयर कलर है वो बहुत सूट कर रहा है और तुम्हारे हेयर बहुत प्यारे हैं तो इससे वो पर्सन अपने बारे में क्या परसीव कर लेगा क्या परसेप्शन बना लेगा कि मैं जो वो अट्रैक्टिव हूँ क्योंकि मैंने अच्छी ड्रेसिंग की हुई है और मेरे हेयर अच्छे हैं मेरी दूसरों ने तारीफ किया वो पर्सन ये नहीं वो मिरर जो है ना एक होता है कि हम मिरर को देख के खुद देख रहे हैं ना हम क्या है तो इधर मिरर जो है ना सोसाइटी है तो जो नेक्स्ट पर्सन सोसाइटी ने जो कहना सोसाइटी हमारा मिरर है अगर सोसाइटी हमें कही कि आप अच्छे आप अच्छे लग रहे हैं तो हमने जज हमने अपनी परसेप्शन बना लेनी है कि हम जो है ना खूबसूरत है हम अट्रैक्टिव हैं और अगर सोसाइटी कही कि आप बुरे लग रहे हैं तो हमने अपनी परसेप्शन बना लेनी है कि हम बुरे लग रहे हैं हम अच्छे नहीं हैं एलिमेंट्स ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ कॉलेट डिस्टिंग्विश थ्री प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द लुकिंग ग्लास सेल्फ द इमेजिनेशन ऑफ अवर अपेरेंस टू द अदर पर्सन कि दूसरा पर्सन हमारे बारे में कैसी इमेजिनेशन बना रहे या उसकी कैसी इमेजिनेशन है हमारे बारे में द इमेजिनेशन ऑफ हिज जजमेंट ऑफ डेट अपेयरेंस हाँ हमारी अपनी क्या है इमेजिनेशन के बारे में जजमेंट क्या है उसके अपेरेंस के बारे में एंड समर्ट ऑफ सेल्फ फीलिंग सच एज प्राइड और मोटिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले द इमेजिनेशन ऑफ आवर अपे के दूस हमने इमेजिन करना कि दूसरा पर्सन हमें किस तरह का देख रहा होगा फिर दूसरा पर्सन फिर दूसरी इमेजिनेशन दो जो वो पर्सन एक्चुअल में हमें देख रहे हैं और तीसरा अगर वो हमें अच्छी तरह से देख रहा होगा तो वो हमारी तारीफ करेगा हमें कंप्लीमेंट अच्छा दे देगा और फिर हम ख़ुद को अच्छा समझेंगे अभी जरिए ये कम्पोन ये बताया जा रहा है इस फिगर में कि सेल्फ़ कन्सेप्ट आई एम फनी कि वो कह रहा है कि मैं फ़नी हूँ सबसे पहले कि परसेप्शन परसीव पीपल लाफिंग एट यू दूसरे लोग जो उसके ऊपर हंस रहे हैं तो फिर वो समझेगा कि वो अपना सेल्फ कन्सेप्ट बना लेगा कि आई एम फ़नी कि मैं फ़नी हूँ बिहेवियर टेल अ जोक उसका बिहेवियर जोक बता रहा है रिस्पॉसिव पीपल लाफ यानी कि सबसे पहले ये स्टार्टिंग पे क्या होगा कि सबसे पहले ये पूरा एक सर्कल है जो कि बिहेवियर टेला जॉक से शुरू हो रहा है कि एक पर्सन जो है ना वो जॉक कहेगा यानी कि हंसी मज़ाक की बात करेगा फिर उसके ऊपर लोगों का रिस्पॉन्स आएगा लाफिंग ठीक है फिर वो परसीव करेगा कि लोग जो है वो हंस रहे हैं और फिर वो कन्सेप्ट बना लेगा अपने बारे में कि मैं फ़नी हूँ जिस तरह के लोग उसके लिए मिरर हैं तो मिरर उसे क्या कह रहा है लोग हंस रहे हैं उसकी बात पे तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो फ़नी है अब ये तीन स्टेप ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ हैं जो कि हमने पहले भी पढ़े हैं कि वी इमेजिन हाउ व सीम और अपेयर टू अदर हमने अपनी इमेजिनेशन क्या बनानी है कि दूसरा हमें किस बारे में देख रहा कैसे हमें देख रहा है वो इमेजिन हाउ डेट अपेयरेंस इज जज बाई अदर दूसरे उसे कैसे जज करेंगे और फिर उसको देख के वी एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग और सम टाइप ऑफ रिएक्शन हम प्राइड फील करेंगे या शेम फील करेंगे क्योंकि सोसाइटी हमारा मिरर है अगर वो हमारी तारीफ करेंगे तो हम प्राइड फील करेंगे अगर हमारा मिरर जो है वो हमें बुरा कहेगा तो हम फिर शेम फील करेंगे यानी कि हमने ख़ुद को खुद जज नहीं करना जो हमें मिरर हमारे मिरर यानी कि हमारी सोसाइटी ने जो कहना जो दूसरे पर्सन का ख्याल होना है ना हमने उसकी बेस के ऊपर अपने आप को बना लेना वैसा हमने खुद को परसीव कर लेना है थैंक यू फॉर वॉचिंग